हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्री अमान सर, आपका जेई केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कोलाइड बनाने की विधि को देखेंगे संघनन विधि द्वारा। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखे थे परिक्षेपण विधि द्वारा कोलाइड बनाने की विधि को, क्लियर ना। तो इस क्लिप में हम लोग कवर करने वाले संघनन विधि से कोलाइड बनाने की विधि। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ से चलते हैं। इससे पहले कि आप इससे, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम लोग देखने जा रहे हैं संघनन विधि से कोलाइड बनाने की विधि। और ये कोलाइड बनाने की विधि, संघनन विधि जो होता है, ये दो मेथड से होते हैं। एक भौतिक विधि द्वारा और एक रासायनिक विधि द्वारा। रासायनिक विधि माने की केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगा, रासायनिक विधि माने की केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगा। और भौतिक विधि मतलब कि फिजिकली मिक्स, मतलब क्या होगा, मिश्रण होगा। क्या होगा इसमें भौतिक विधि द्वारा कैसे हम लोग कोलाइड बनाते हैं? तो देखो क्या करते हैं, एक वास्तविक विलयन होता है। जब एक वास्तविक विलयन को किसी दूसरे विलायक की अधिकता में, अब उस विलायक को हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें सॉल्यूट अघुलनशील हो, सॉल्यूट नहीं घुले। तो किसी वास्तविक विलयन को किसी दूसरे विलायक की अधिकता में जिसमें सॉल्यूट अघुलनशील हो, लेकिन विलायक के अघुलनशील हो, लेकिन विलायक अघुलनशील हो किसमें, तो वास्तविक विलयन में हो। जब एक दूसरे में मिलाया जाता है, जब ये दोनों को एक दूसरे में मिश्रित किया जाता है, तो वह कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त देता है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। माने कहने का मतलब है कि एक वास्तविक विलयन होता है, उस वास्तविक विलयन और विलायक को लेते हैं, विलायक के अधिक मात्रा लेते हैं जिसमें सॉल्यूट माने विलेय अघुलनशील हो, एक दूसरे में इसको मिश्रित करते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे में क्या करते हैं, मिश्रित करते हैं, तो क्या बनता है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, माने कोलाइडल विलयन बनता है, कोलाइडी विलयन बनता है। स्पष्ट ना। अब देखिए जैसे एग्जांपल है, जैसे यहां पर एग्जांपल को हम पैराग्राफ चेंज करके लिखे हैं। जैसे मान लीजिए सल्फर है, ठीक है ना। जब सल्फर एवं अल्कोहल के वास्तविक विलयन को जल के अधिकता में मिलाया जाता है तो सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो यहां पर सल्फर और अल्कोहल के वास्तविक विलयन बना करके और उसको हम जल के अधिकता में क्या करते हैं, मिश्रित करते हैं, तो वह कोलाइड बन जाता है, सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। तो ये भौतिक विधि होता है। क्या होता है दोस्त, भौतिक विधि होता है। इस तरह से हम लोग भौतिक विधि से क्या बनाते हैं, तो कोलाइड बनाते हैं। ये भौतिक विधि संघनन विधि में आते हैं। अब दूसरा है रासायनिक विधि। अब रासायनिक विधि में केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगा। क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसमें रासायनिक अभिक्रिया ऐसे माध्यम में कराई जाती है। रासायनिक अभिक्रिया कराने का भी कंडीशन होता है, कब रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे कोलाइड बनाने के लिए। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया ऐसे माध्यम में कराई जाती है जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था कम घुलनशील हो, जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था जो हो क्या हो, कम घुलनशील हो। और ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन मतलब कि सॉल्यूट की मात्रा क्या हो, कम घुलनशील हो, सॉल्यूट कम घुलनशील हो, दैट मींस परिक्षिप्त प्रवस्था कम घुलनशील हो, ठीक है। अति संतृप्ता की परिस्थिति में उत्पन्न हो जाती है, लेकिन वास्तविक अवक्षेपण को रोका जाता है, जो उसमें अवक्षेप बनता है, अवक्षेपण होता है, उसको हम लोग अलग कर लेते हैं, रोक दिया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयोग में लाई जाती है, निम्नलिखित अभिक्रिया संभव है, ठीक है ना। एक बार फिर समझिएगा, रासायनिक प्रोसेस में क्या होता है, रासायनिक प्रोसेस मतलब कि विधि से हम लोग कोलाइड बना रहे हैं, दैट मींस इसमें केमिकल रिएक्शन डेफिनेटली होगा। अब केमिकल रिएक्शन तब होता है उस माध्यम हम कराते हैं जब जो परिक्षिप्त प्रवस्था क्या हो, कम घुलनशील हो, परिक्षिप्त प्रवस्था क्या हो, कम घुलनशील हो, ठीक है ना। तो अति संतृप्तता की परिस्थिति में उत्पन्न हो जाती है, लेकिन वास्तविक अवक्षेपण को रोक दिया जाता है, जो अवक्षेपण जो भी उसमें उत्पन्न हो जाते हैं उनको अलग कर लिया जाता है या रोक दिया जाता है। इसके लिए निम्न अभिक्रिया प्रोसेस में लाई जाती है, निम्न अभिक्रिया होती है। अब क्या क्या होता है, अब इसमें आपके मन में ये चलता होगा अति संतृप्तता। अति संतृप्तता का मतलब होता है ना कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया ऐसे माध्यम में कराई जाती है जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था कम घुलनशील हो। अब कब ये कम घुलनशील होगा, जब
अति संतृप्तता की परिस्थिति आ जाए, हम बताएं सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड या सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, जो हम लोग पढ़ रहे हैं बिलियन सॉल्यूशन, उसमें वही अति संतृप्तता है, और अति संतृप्तता में जो सॉल्यूट होता है वह अघुलनशील होने लगता है। स्पष्ट ना, वही चीज दिखाया गया है यहाँ पर। अब देखिए रासायनिक विधि में पहला होता है द्विक अपघटन। इस द्विक अपघटन में क्या कराया जाता है, तो केमिकल रिएक्शन कराया जाता है। क्या करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, इधर आर्सेनिक ऑक्साइड को लेते हैं और उस आर्सेनिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया कराते हैं, और हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया कराने के बाद आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल सोल्यूशन प्राप्त होता है। कोलाइडल सोल्यूशन प्राप्त होता है, मतलब आर्सेनिक ऑक्साइड का बिलियन गर्म जल में बनाया जाता है। जो आर्सेनिक ऑक्साइड बिलियन जो होता है वह गर्म जल में बनता है, तो प्राप्त उत्पाद को ठंडा करते हैं। इस प्रकार आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल या कोलाइड प्राप्त होता है। माने कहने का मतलब है कि जो आर्सेनिक ऑक्साइड जो है ये गर्म जल में बनता है, ठीक है ना, और ये जो बनता है आर्सेनिक ऑक्साइड, इसको हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया करा करके और इसको ठंडा करते हैं, तो आर्सेनिक सल्फाइड का ये सॉल्यूशन प्राप्त होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त होता है या कोलाइड प्राप्त होता है। ये होता है द्विक अपघटन। द्विक अपघटन में हम लोग आर्सेनिक ऑक्साइड को गर्म जल से उत्पन्न करते हैं और आर्सेनिक ऑक्साइड की क्रिया करा देते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड से, और उसके बाद अभिक्रिया करा करके प्राप्त आर्सेनिक सल्फाइड को ठंडा करके हम लोग क्या प्राप्त कर लेते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त कर लेते हैं आर्सेनिक ऑक्साइड का। दूसरा होता है ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण में क्या है मेरे भाई, ऑक्सीकरण में क्या करते हैं ना, सल्फर डाइऑक्साइड के बिलियन में H2S गैस को पास कराते हैं या प्रवाहित कराते हैं, सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है या हो सकता है। क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के बिलियन में H2S प्रवाहित करते हैं, तो सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है या प्राप्त हो सकता है। स्पष्ट ना, या प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है अपचयन। अपचयन में क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए धातुओं जैसे सोना, प्लेटिनम, लेड, ठीक है ना, बहुत सारे धातु ले सकते हैं ETC के कोलाइडल बिलियन, इनके लौड़ों के बिलियनों पर किसी अपचायक की क्रिया द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। मतलब कहने का मतलब है कि सोना रहे या प्लेटिनम या लेड, इसका कोलाइडल सोल्यूशन हमको बनाना हो अपचयन द्वारा, तो क्या करते हैं ना, इनके लवण को लेते हैं, इनके लवण के बिलियन को, ठीक है ना, बिलियनों पर किसी अपचायक की क्रिया द्वारा हम लोग कोलाइड प्राप्त कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि ये साल्ट है, गोल्ड के लवण है, सोना के लवण है, और ये होता है अपचायक SnCl2 अपचायक होता है, जो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया है, ऑक्सीकृत हो गया है और इसको रिड्यूस कर दिया है। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा सोना का, यहां इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा, तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, घटा दिया है, और ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा दिया है। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, अब +4 हो गया, तो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाया है और दूसरे के ऑक्सीडेशन स्टेट को घटाया है, तो इसको हम लोग कहते हैं ये जो है आपका बाबू अपचायक है, और इसका ऑक्सीकरण हुआ है, देखो 0 में आ गया है, तो यहां पर जो मिल रहा है गोल्ड सॉल मिल रहा है, माने सोना के कोलाइड प्राप्त हो रहा है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, स्पष्ट ना। तो ये हम लोग देखे हैं इसमें क्या, संघनन विधि में भौतिक विधि और रासायनिक विधि, और रासायनिक विधि में हम लोग देखते हैं रासायनिक केमिकल रिएक्शन द्विक अपघटन द्वारा कैसे हम लोग कोलाइड प्राप्त करते हैं, और ऑक्सीकरण द्वारा भी प्राप्त करते हैं, और अपचयन द्वारा भी हम लोग धातु के कोलाइड प्राप्त करते हैं, धातु के सॉल प्राप्त करते हैं। तो ये फर्स्ट क्लिप है, आप इसको राइट डाउन करें।
तो संघनन विधि में और रासायनिक प्रोसेस से हम लोग क्लोराइड बनाने की विधि में हम लोग देखेंगे जल अपघटन के द्वारा हम लोग किस प्रकार क्लोराइड बनाते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि हम लोग धातु के क्लोराइड लेते हैं, मतलब लवण लेते हैं, और धातु के लवण का जल अपघटन कराते हैं तो धातु के हाइड्रोक्साइड प्राप्त होते हैं, और वहीं धातु के हाइड्रोक्साइड सॉल का निर्माण करते हैं, माने सॉल बन जाते हैं, माने क्लोराइड बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस में, जल अपघटन की प्रोसेस में, धातु के हाइड्रोक्साइड के क्लोराइड बनाते हैं इस विधि के द्वारा। क्या करते हैं, जैसे क्रोमियम है, आयरन है, बिस्मथ है, एल्युमिनियम है, इनके क्लोराइड की अभिक्रिया या इनके लवणों की अभिक्रिया जल के साथ करा करके इनके हाइड्रोक्साइड प्राप्त करते हैं, और इनके हाइड्रोक्साइड सॉल होते हैं, माने क्लोराइड बन जाते हैं। तो यहां पर लिखा गया दोस्तों कि जल अपघटन में धातु के हाइड्रोक्साइड का क्लोराइडल सॉल्यूशन इस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। धातु के हाइड्रोक्साइड जो है वही क्लोराइडल सॉल्यूशन इसके द्वारा हम लोग तैयार करते हैं। इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि इसमें उबलते हुए जल में धातु के क्लोराइड, मतलब हम ले लिए FeCl3 का विलयन बूंद बूंद करके मिलाने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का गहरा लाल क्लोराइडी विलयन प्राप्त होता है। इसमें देख दोस्त, एल्युमिनियम, आयरन, बिस्मथ और क्रोमियम के हाइड्रोक्साइड का क्लोराइडी विलयन हो तो इसी विधि द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं या किया जा सकता है इसी मेथड के द्वारा। जैसे मान लीजिए FeCl3 है और ये H2O है, तो ये जो H2O है ये उबलते हुए जल, खौलते हुए जल में इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद गिराते हैं, और बूंद बूंद गिराते हैं तो ये क्या बनते हैं, धातु के हाइड्रोक्साइड बनते हैं, FeOH के होल थ्राइस बनता है जो कि सॉल होता है, क्लोराइड होता है। एकदम क्या है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, OH इसके साथ तीन को चला जाएगा, FeOH के होल थ्राइस सॉल बन जाएगा और ये HCl बाहर निकल जाएगा। सबके साथ आयरन है वैसे ही एल्युमिनियम, वैसे ही बिस्मथ, वैसे ही एकदम क्रोमियम, सेम इसी तरह से। नेक्स्ट देखो क्लोराइडी विलयनों का शुद्धिकरण, अब इसके प्यूरिफिकेशन की बात करेंगे, ठीक है ना। हम लोग क्लोराइड बनाने की विधि को समझ गए, पढ़ लिए, अब इसको कैसे प्यूरिफाई करते हैं, किस मेथड से हम लोग इसको शुद्धिकरण करते हैं क्लोराइड को, वही चीज देखने जा रहा है। तो यहाँ पर लिखा गया क्लोराइडी विलयनों का शुद्धिकरण। देख भाई, वैद्युत अपघट्य के आंशिक मात्रा में उपस्थिति या उपस्थित क्लोराइडी विलयन के अस्थायित्व के लिए आवश्यक है। कोई भी विलयन हम लोग बना रहे हैं तो उस विलयन क्लोराइडल सॉल्यूशन जो बना रहे हैं उसके अस्थायित्व के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, उसमें थोड़ी सी मात्रा वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं ताकि उसकी स्टेबिलिटी कायम रहे लॉन्ग टाइम तक। स्पष्ट ना, तो वही बात लिखा कि वैद्युत अपघट्य के आंशिक मात्रा में उपस्थित क्लोराइडी विलयन के अस्थायित्व के लिए आवश्यक होते हैं, स्टेबिलिटी के लिए एकदम जरूरी होता है। अब देखिए क्लोराइडी विलयन के शुद्धिकरण निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जा सकता है। अब क्लोराइडी विलयन के प्यूरिफिकेशन बहुत सारा मेथड होता है प्यूरिफाई करने का, जैसे अपोहन विधि, डायलिसिस प्रोसेस। तो इसको हम लोग अब इसके प्यूरिफिकेशन के मेथड को हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आप आज के क्लिप समझ गए, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा। आई होप कि जहां पर भी आपको प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं एकदम बिंदास। तो मैं वीडियो लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करता हूं। धन्यवाद।